सोमवार के चलते आज बस अड्डा बाजार संगड़ा में सामान्य से ज्यादा लोगों और वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है। तो इस तरह बैंकों के बाहर भी आज लोगों की कतार लगी है और इन दोनों बैंकों की एटीएम मशीनें लंबे अरसे से बंद होने के चलते यहाँ ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। इस तरह देख सकते हैं पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने अथवा दूर दूर खड़े होने कहा जा रहा है। दूसरे बैंक के बाहर भी कुछ लोग हैं, हालांकि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है और इस बैंक की एटीएम 1.5 साल से बंद है। इस तरह आप देख सकते हैं लोगों का आना जाना लगा हुआ है और लॉकडाउन के 99 दिन हो चुके हैं आज और अधिकतर लोग फेस कवर किए हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस सहायता कक्ष के आसपास ही ज़्यादा लोग मास्क पहने दिखते हैं। और स्वास्थ्य खंड संगड़ा की बात करें तो इस इलाके में अभी तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है और कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी की जा रही है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सिरमौर जिला में एक तरफ जहाँ लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वही उपमंडल अथवा स्वास्थ्य खंड संगड़ा में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है और 150 से ज़्यादा सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं यहाँ पे। इस तरह लाइमस्टोन माइन से एक के बाद एक लगातार ओवरलोडेड ट्रक निकल रहे हैं और स्थानीय पुलिसकर्मियों के अनुसार यहाँ पर इसकी ज्यादा धर्म घटना होने के चलते इनके चालान नहीं किए जा सकते। हालांकि इस मामले में क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं। बाद दोपहर 1:45 का वक्त हुआ है और आप देख रहे हैं तेज बारिश और आंधी के चलते अचानक संगड़ा कस्बे में अंधेरा हो गया है। इस तरह आप देख सकते हैं लाइटें जला कर चल रहे हैं कुछ वाहन चालक। हालांकि अचानक भी भारी बारिश से गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं धूप लगने अथवा तेज गर्मी के बाद अचानक भारी बारिश और तूफान से अंधेरा हो गया है और बिजली काफी समय से गुल है क्षेत्र में। पुलिसकर्मियों द्वारा बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने को कहा जा रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं कई गाड़ियां बेतरतीब ढंग से खड़ी है, हालांकि कई बार चालान भी किए जाते हैं पुलिसकर्मियों द्वारा यहाँ इस तरह के वाहनों के। अनलॉक वन के दौर में आप देख रहे हैं संगड़ाह में लोगों की आवाजाही। इस तरह ढाबे के बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं और स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक बाजार में घूमने वाले लोगों में ग्राहकों से ज़्यादा टाइम पास करने वाले लोग भी होते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कुछ वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े हैं जिन्हें हटाने को कहा जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा। और सोमवार के चलते आज लोगों की आवाजाही ज़्यादा है, बैंक के बाहर भी लाइन लगी है और इस तरह भी आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं। तो पुलिसकर्मियों द्वारा हालांकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, मगर लोग तो लोग हैं। जिला सिरमौर में जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2 अंकों से कम नहीं हो रही है, वहीं संगड़ाह स्वास्थ्य खंड में अब तक एक भी एक्टिव केस नहीं है और यहां जागरूकता और पुलिस प्रशासन की सक्रियता भी एक कारण हो सकती है। इस तरह आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही जारी है। हिमालय लाइमस्टोन माइन से एक और ओवरलोडेड ट्रक निकला है, साथ साथ पुलिस की गाड़ी भी चल रही है। पुलिस के मुताबिक यहाँ ओवरलोडेड ट्रकों के चालान नहीं किए जा सकते क्योंकि वेट ब्रिज नहीं है और पर्यावरण प्रेमी किंकी देवी के पुत्र द्वारा उक्त ओवरलोडेड ट्रकों की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की जा चुकी है। अभी एक बस पहुंची है और आप देख रहे हैं बस से यात्री उतर चढ़ रहे हैं और इस तरह कई बार बस में भीड़ भी होती है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है और लोगों की आवाजाही जारी है। अभी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है, हालांकि लोग इन गोलों में खड़े नजर नहीं आते हैं। 2:25 हुए और आप देख रहे हैं परिवहन निगम की एक बस जो संगड़ाह से नाहन की तरफ निकल रही है। तो इस तरह बारिश के चलते काफ़ी लोग बैठे हैं और इनमें कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। तो क्षेत्र में बसों की कमी के चलते कई बार ज़्यादा यात्री भी देखे जाते हैं, हालांकि इस वक्त ठीक है सारी ठीक है ना सवारी, परिचालक के अनुसार सवारियाँ ज़्यादा नहीं है।